हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बेस्ट टू वर्स्ट लिप बाम्स एंड लिप केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कलेक्शन लेके आई हूं। मेरे लिप्स बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड हैं, बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं और चैप्ड हो जाते हैं अगर मैं एक अच्छा लिप बाम यूज नहीं करूं तो इसीलिए मेरे पास इतना बड़ा लिप बाम्स का कलेक्शन है। क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि कोई अच्छी ब्रांड का लिप बाम मार्केट में लॉन्च हुआ है तभी मैं उसे लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री काइंड ऑफ लिप बाम नहीं मिला है। बट स्टिल इतनी सारी ब्रांड्स में से मैंने कुछ बाम्स को बेस्ट कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, कुछ ओके काइंड ऑफ लिप बाम में आता है और कुछ एकदम वर्स्ट लिप बाम्स हैं। इसके अलावा मेरे पास स्क्रब्स भी हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा लिप स्क्रब लेना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगेन, ये वाली जो वीडियो होगी वो बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू करने में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आपके लिए कैटेगराइज करूंगी। तो इसीलिए अगर आपके लिप्स में बहुत ज्यादा चैप्ड हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रब के कलेक्शन से। सो गाइज, ये है मेरा लिप स्क्रब्स का करंट कलेक्शन, जिसमें से सबसे पहला आता है अर्बन बोटेनिक्स का एडवांस लिप स्क्रब। ये अभी तक का मेरा जितने भी मैंने लिप स्क्रब यूज किए हैं सबसे ज्यादा अफोर्डेबल लिप स्क्रब है। 40 ग्राम की क्वांटिटी आपको 449 रुपीज में मिलती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसका एमआरपी है। आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे ऑफर इस पे मिल जाएंगे। ये एक इंडियन ब्रांड है और इसके साथ आपको 2 साल की शेल्फ लाइफ भी मिलती है। जी हाँ गाइज, एक लिप स्क्रब के लिए 2 साल की शेल्फ लाइफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिप स्क्रब बहुत ही ज्यादा कम लगता है। इसकी खास बात यह है, सबसे पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूंगी। तो इस टाइप से ये रेड कलर की क्रीमी कंसिस्टेंसी में आता है। इसकी खास बात यह है कि ये अभी तक जितने भी मैंने लिप स्क्रब यूज किए हैं इसके बीड्स उन सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें आपको कुटी हुई जो चीनी होती है, शुगर के पार्टिकल्स, उस टाइप के बीड्स नहीं मिलते। इसके जो बीड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं और सर्कुलर हैं। जनरली मेरे साथ क्या होता है कि जब मेरे लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं और मैं अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करती हूँ, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो जो हार्श बीड्स हैं उसकी वजह से मेरे लिप की स्किन निकल गई और कई बार मुझे पेन भी हुआ और ब्लड भी दिखाई देने लग गया। ये जो लिप स्क्रब है बहुत ही ज्यादा जेंटल है आपके लिप्स पे। आप चाहें तो इसे हर अल्टरनेट डे या फिर डेली भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैं इसे हर अल्टरनेट डे यूज करती हूँ। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट लिप स्क्रब है, जिसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। बस इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो हो सकता है कि वो डेड स्किन सेल को ये इतने अच्छे से नहीं निकाले, क्योंकि इसके जो बीड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। लेकिन हर अल्टरनेट डे या फिर डेली बेसिस पे यूज करने के लिए ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास लिप स्क्रब है वो है सिया सीक्रेट का लिप स्क्रब एंड खादी एसेंशियल का लिप स्क्रब। ये दोनों के दोनों जो लिप स्क्रब है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनकी परफॉर्मेंस, इनकी स्मेल, सब कुछ एकदम सिमिलर है, लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर है। ये जो सिया सीक्रेट का लिप स्क्रब है ये आपको 8 ग्राम की क्वांटिटी 261 रुपीज की मिलती है, जबकि खादी एसेंशियल में आपको 595 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे फॉर 15 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इनके प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर है। अगेन, सिया सीक्रेट पे आपको अच्छे खासे ऑफर मिल जाएंगे और हो सकता है आपको खादी एसेंशियल पे भी कभी कभी अच्छे ऑफर मिल जाएं। खादी एसेंशियल का मेरे पास रोज वेरियंट वाला लिप स्क्रब है। इन दोनों की ही जैसे कि मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपको बहुत ही बारीक बारीक बीड्स मिलते हैं। अगेन, ये आपके लिप्स पे ज्यादा हार्श नहीं लगते हैं, लेकिन जब आप इस लिप स्क्रब को यूज करते हो तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो जो कि मुझे बहुत ज्यादा अनइजी फील कराता है जब भी मैं इस वाले लिप स्क्रब को यूज करती हूँ। अदरवाइज ये एक अच्छा लिप स्क्रब है। आप वीक में 2 से 3 बार इस लिप स्क्रब को यूज कर सकते हैं। ज्यादा यूज करना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपके लिप्स को हार्म भी कर सकता है, क्योंकि इसके जो बीड्स हैं वो थोड़े से हार्श हैं। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस में ये दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप सिया सीक्रेट का लिप स्क्रब ट्राई करें अगर आप इन दोनों में से मुझसे पूछेंगे कि कौन सा लें। पहली बात, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। दूसरा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस वाले से, खादी एसेंशियल से ज्यादा क्रीमी है। इसे यूज करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद जो मेरे पास फोर्थ लिप स्क्रब है वो है जूसी केमिस्ट्री का। इसमें मेरे पास मिंट वाला चोको मिंट
वाला वेरियंट है। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करता है और आपकी सारी सारी डेड स्किन सेल को अच्छे से रिमूव कर देता है और आपको बहुत अच्छे सॉफ्ट प्लम्पी और मॉइस्चराइज लिप्स देता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स है। तो ये लिप स्क्रब मैंने काफी दिन पहले लिया था, आई गेस पिछले साल लिया था, सिर्फ कुछ दिन कुछ बार मैंने इसे यूज किया और उसके बाद ये एक्सपायर हो गया। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बचा हुआ है और लेकिन ये एक्सपायर हो गया। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपके पास इससे ज्यादा अच्छे ऑप्शन है जो कि अफोर्डेबल भी है और जिनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे कि जूसी केमिस्ट्री की है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी मेरे फेवरेट लिप बाम्स के बारे में, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है डॉटर अर्थ का एंटीऑक्सीडेंट लिप बाम। ये फ्रेग्रेंस फ्री है, बहुत अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है, रखता है ऑल डे लॉन्ग। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मेरे पास 2 टब अभी हैं और इसके अलावा मैंने इसके आई गेस 2 से 3 टब ऑलरेडी खत्म कर दिए। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि अनहाइजीनिक है और इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की शेल्फ लाइफ मिलती है। तो ये वाला जो टब है ये मैं खत्म कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट, अभी ये मेरा चल रहा है और ये जो टब है इसमें काफी सारा बचा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं घर गई थी उस टाइम पे ये एक्सपायर हो गया, क्योंकि इसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की शेल्फ लाइफ मिलती है। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट लिप बाम है वो है रिवोना का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, इसमें हल्की सी स्मेल आती है, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे ही लिप बाम मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में यूज किया, उसके बाद ही आज मैं आपके साथ इन्हें कैटेगराइज कर रही हूँ। ये काफी ज्यादा अच्छा है, अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी रखता है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है। इसकी 5 ग्राम की क्वांटिटी आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिलती है। तो ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। ये भी आपके लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, आप इसे अंडरनेथ भी यूज कर सकते हैं अपनी लिपस्टिक के। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट लिप बाम है वो है हर्ब्स एंड प्योर का फ्रेश रोज लिप बाम। इसमें भी आपको 5 ग्राम क्वांटिटी मिलती है और इसकी मैं 2 टब खत्म कर चुकी हूँ, ये भी थोड़ा सा ही बचा है इसमें। ये भी बहुत अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है। इनकी चारों की ही, इन तीनों की ही जो परफॉर्मेंस है, डॉटर अर्थ, रिवोना एंड हर्ब्स एंड प्योर, इन तीनों की ही जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ और सिर्फ डॉटर अर्थ में आपको फ्रेग्रेंस नहीं मिलती, इन दोनों में ही आपको हल्की सी फ्रेग्रेंस मिलेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेरा फेवरेट लिप बाम है वो है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट वाला। इसके भी आप देख सकते हैं मेरे पास 2 पैक हैं, एक मुझे एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आई गेस फ्री मिला था और एक मैंने खुद परचेस किया था। आप देख सकते हैं इसे भी मैंने काफी ज्यादा यूज किया और बहुत सारा यूज करने के बाद ही मैंने इसे अपनी फेवरेट वाली कैटेगरी में लिस्ट किया है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा आपको हैवी लग सकता है स्टार्टिंग में, जब आप इसे यूज करेंगे तो हो सकता है आपको इसके साथ यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए और इसकी स्मेल भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। लेकिन क्योंकि ये काफी ज्यादा थिक है और थोड़ा सा हैवी है इसीलिए आपके लिप्स को काफी लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रखता है। लेकिन मैंने ये फील किया कि इसे जब भी मैंने लिपस्टिक के अंडरनेथ यूज करने की कोशिश की है तो इतना अच्छा नहीं रहा है मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ। तो ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी ओके काइंड ऑफ लिप बाम्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ला ऑर्गेनो का लिप बाम विद टिंट। इसमें कई सारे वेरिएंट है, अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर अमेजोन पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये ओके काइंड ऑफ वाली कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि इसे आपको कई बार रीअप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए ये लिप बाम्स उन लोगों के लिए काफी ज्यादा रिकमेंडेड है जिनके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे भी मैंने काफी सारी क्वांटिटी में यूज किया है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि आपको इसे कई बार रीअप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लाइट वेट है और ये आपके लिप पे हल्का सा ग्लॉसी लुक देता है। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंट ग्लॉस वाला लुक चाहिए तो उसके लिए ये अच्छा एक ऑप्शन है। नेक्स्ट जो ओके काइंड ऑफ कैटेगरी में आते हैं वो है ये 2 बायोटिक के लिप बाम। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सिमिलर है, अंतर सिर्फ ये है कि ये जो टब वाला लिप बाम है इसमें आपको टिंट देखने में लगेगा बट ये आपके लिप्स को टिंटेड नहीं करता है। अगर आपके लिप्स मेरी तरह पिगमेंटेड है तो आपको टिंट नहीं दिखाई देगा, जबकि ये वाला जो लिप बाम है ये देखने में आपको लगेगा कि पिगमेंटेड नहीं है बट ये आपके लिप्स को बहुत स्ट्रांग पिगमेंट देता है। इसमें से बहुत स्ट्रांग स्मेल भी आती है। परफॉर्मेंस इनकी बिल्कुल सिमिलर है, अंतर सिर्फ ये है कि इसमें स्मेल बहुत कम है और ये आपके लिप्स को टिंटेड नहीं करता है, जबकि ये वाला इसमें स्ट्रांग स्मेल आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्मेल आती है और ये आपके लिप्स को काफी ज्यादा ओबेक, ये आपके लिप्स को पिगमेंट देता है। नेक्स्ट है नामिया का लिप सिरम। नामिया का लिप सिरम काफी ज्यादा लाइट वेट है, इसमें से काफी ज्यादा स्ट्रांग
स्मेल आती है। ये जो लक्स सेरम ये क्लेम करता है कि आपको ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग इफेक्ट देगा, मैं आपको यही कहूंगी क्लेम से मत जाइए। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी स्किन का कलर ओरिजिनल कलर चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड हैं बचपन से जैसे कि मेरे हैं, तो उसे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी लिप बाम या कोई भी सीरम चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर सन एक्सपोजर की वजह से या फिर स्मोकिंग की वजह से या फिर कोई और वजह से आपके लिप्स पिगमेंटेड हो गए हैं तो ये लिप सीरम काम कर सकता है, लेकिन अगेन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये सब्जेक्टिव एक प्रोडक्ट है, मैं इसे रोज रात में यूज करती हूँ अपने लिप बाम के नीचे। ये भी एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें आपको 30 ग्राम की क्वांटिटी 240 रुपीस में मिलती है। तो आप चाहें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना और आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ओके काइंड ऑफ कैटेगरी में आता है वो आता है क्रोनिकर का द फ्रिस्क किस कूलिंग एक्सपोजन लिप बाम। ये जो लिप बाम है ये काफी ज्यादा सही है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको कूलिंग सेंसेशन आपके लिप्स पे लगती है। तो बहुत ज्यादा गर्मी में मैं इसे कभी कभी यूज कर लेती हूँ। अगेन इसे भी आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा और ये भी एक ओके काइंड ऑफ लिप बाम है। सबसे लास्ट में मैं बात करना चाहूंगी अभी तक के मेरे वर्स्ट लिप केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है सेज एपोथेकरी का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। ये जो ब्रांड है इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहा है वो मेरे लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। इसमें जो इसका लिप बाम का कलर है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डार्क पिंक है और बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। इसमें बहुत ही स्ट्रांग अजीब सी स्मेल आती है कि जो मैं बेयर नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं इस लिप बाम को मैंने ज्यादा यूज भी नहीं किया, तो इसीलिए ना इसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी और जो सबसे ज्यादा मुझे इसके साथ प्रॉब्लम लगी है वो लगी है इसकी स्मेल। तो ये मैं वर्स्ट कैटेगरी में डालना चाहूंगी। नेक्स्ट जो लिप बाम है वो है अंगम का लग्जरी आयुर्वेदा लिप बाम। जब आप इसे यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आती है कि ये बहुत ज्यादा लग्जूरियस होगा। आप देख भी सकते हैं इसे मैंने काफी सारा यूज किया है, लेकिन अगेन इसमें जो स्मेल आती है वो अनबेरेबल है मेरे लिए। और इस ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिप्स को ग्लॉसी इफेक्ट देता है, बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं करता है। तो अगेन मैंने इसे वर्स्ट लिप बाम्स वाली कैटेगरी में डाला है। अगर आपको कहीं से फ्री में मिल रहा है या फिर सब्सक्रिप्शन बॉक्स में या कहीं से सैंपल में मिल रहा है तो आप इसे ले सकते हैं, बट इसमें आपको पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिप बाम है जो बिल्कुल वेस्ट है वो है न्यूट्रोजीना का लिप बाम, जिसमें आपको SPF 15 भी मिलता है। SPF की वजह से मैंने ये लिप बाम को ट्राई करने की सोची बट कोई असर नहीं हुआ। धूप में जाओ नहीं जाओ मेरे जो लिप्स हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं। बहुत ज्यादा लाइट वेट है लेकिन आपके लिप्स को कुछ मिनट ही लाइक आधा घंटा या फिर 45 मिनट ही ये सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज रखता है। तो ये बिल्कुल ही एक मुझे वेस्ट प्रोडक्ट लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे मैंने काफी यूज किया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो इसका प्राइस कितना है बट ये मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी। उसके बाद जो वर्स्ट लिप बाम मुझे लगा है वो है खादी एसेंशियल का ये वाला लिप बाम। खादी एसेंशियल एक लग्जूरियस ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, और मैंने काफी ज्यादा उम्मीद से ये लिप बाम खरीदा था लिप स्क्रब के साथ। इसका जो प्राइस है वो है 595 रुपीज, बहुत ज्यादा ये महंगा भी था और मुझे उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा, बट गाइज ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं रखता। ऊपर से ये जो वाइन वाला जो मैंने वेरियंट ले लिया था ये और भी ज्यादा खराब मिल रहा क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा खराब स्मेल आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मुझे एक थोड़ा सा खराब लिप बाम लगा वो लगा ला ऑर्गेनो का ग्रीन एप्पल लिप बाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने काफी यूज करने की कोशिश की, ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज तो रखता है लेकिन बहुत ज्यादा ड्राई है ये जो लिप बाम है, इसे लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से इसकी जो स्मेल है वो भी अनबेरेबल मेरे लिए रही है। इससे ज्यादा अच्छा मुझे इसका जो दूसरा वेरियंट है वो लगा, स्ट्रॉबेरी वाला आई गेस। उसके बाद नेचर्स को का ये रोज वाला जो लिप बाम है ये भी एकदम बकवास है। तो अगर आप इसमें पैसा खर्च करने की सोच रहे हैं, क्योंकि नेचर्स को के कई सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपको लगे कि भाई इसका लिप बाम भी अच्छा होगा तो बिल्कुल भी इसमें पैसा नहीं खर्च करें। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्स्ट प्रोडक्ट मेरे लिए रहा है अभी तक का वो रहा है ये लिप मास्क। इसे मैं बहुत दिन से खत्म करने की कोशिश कर रही हूं लेकिन खत्म भी नहीं हुआ और इसने मुझे कुछ फायदा भी नहीं दिया। ये लिप मास्क लेने से अच्छा है कि जितने मैंने आपको बेस्ट मेरे फेवरेट लिप बाम्स बताए हैं उनमें से कोई एक खरीद लें। तो ये जो लिप बाम है वो बिल्कुल ही बेकार है। तो ये है वर्स्ट लिप बाम्स की कैटेगरी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको अपने लिए एक लिप बाम चूज करने में हेल्प मिलेगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।